हाय, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जनरल डिजीज़ कंडीशन और उसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय सार्क कोव टू। कोरोना वायरस इज़ अ होल फैमिली ऑफ वायरसेस। Why it is called corona? Because on its surface it has spikes which looks like crown. That's why it is called coronavirus. COVID-19 ये डिजीज का नाम कैसे मिला? COVID-19 तो को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस एंड डी फॉर डिजीज एंड 19 इज 2019। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड COVID-19। COVID-19 का फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 19 दिसंबर 2019 में वुहान सिटी चाइना के। तो इसके कारण जो है इसका नाम COVID-19 पड़ा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण कोई डिजीज़ आई है, इसके पहले भी दो बार हो चुका है। सबसे फर्स्ट टाइम आया था 2003 में, एशिया में आउटब्रेक हुआ था सार्स कोव करके डिजीज़ आई थी, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, वो भी कोरोना वायरस के कारण हुआ था। फिर उसके बाद 2012 में जो है सऊदी अरेबिया में मर्स कोव करके डिजीज़ आई थी। तो ये जो है ये थर्ड टाइम है जो कोरोना वायरस के कारण कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आई हो। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ 4 डेज, 4 to 5 days. Bats are the natural reservoir of many viruses. So this virus also it multiplies inside the bat, and bat transmitted in humans, and from human to human transmission is by close contact or by droplet transmission. So what are the symptoms of COVID-19? Fever, cough, shortness of breath. In severe patient, pneumonia or acute respiratory distress, nausea, vomiting, diarrhea, loss of smell and loss of taste in some patients, fatigue, और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो तो पेशेंट को निमोनिया होता है, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड देन डेथ। तो हु इज़ एट रिस्क फॉर COVID-19? एक्चुअली ये जो डिजीज़ है इसके लिए कोई भी इम्यून नहीं है, सारे कोई भी इसे अफेक्ट हो सकता है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा रिस्क है जो एल्डरली है, जिनकी एज 60 से ऊपर है, या फिर उनको पहले से कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ मलाइटस, या फिर कुछ क्रॉनिक लंग डिजीज़ेज़ है जिनको, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, जो इम्यूनोसप्रेसन ड्रग्स पे रहते हैं, स्टीरोइड्स पे रहते हैं, उन लोगों को जो है ज़्यादा रिस्क होता है। व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे एट होम। अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो किसी से कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, इसलिए घर पर रहे, सेफ रहे। और ना घर पर किसी को इन्वाइट करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, गैदरिंग ना करें, कोई भी बड़ी गैदरिंग में ना जाए, अवॉइड करिए। नंबर टू, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर फ्रीक्वेंटली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। अगर साबुन और पानी नहीं है तभी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करिए, जैसे कि यूजिंग कर्चीफ्स और टिश्यू वाइल स्नीजिंग और कफिंग,
देन इफ एट ऑल यू नीड टू गो आउट देन फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए 2 लोगों के बीच में। अब ये बात आती है कि मास्क किसने पहनना चाहिए, क्या सभी को मास्क पहनना चाहिए? WHO रिकमेंड करता है कि मास्क सिर्फ उन लोगों को पहनना चाहिए जो पॉजिटिव केसेस है या फिर जिनको सिम्टम्स है, उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए। और नंबर 2, जो डॉक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है पेशेंट के साथ, या फिर केयर गिवर है जो उनको संभालते हैं, उनके लिए जो है मास्क कंपलसरी है, अदरवाइज नो नीड टू यूज़ मास्क। COVID-19 इस डिज़ीज़ के साथ बहुत भी बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है, क्योंकि ये नई नई बीमारी है तो लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण जो है लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत उनको इनसिक्योरिटीज़ है कि कहीं उनको ना हो जाए। अगर आप देखते हैं कि अगर नॉर्मल कोई छींक भी दे या फिर खांस भी दे, तो लोग बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं कि जो पर्सन छींक रहा है या खांस रहा है उसको कोरोना तो नहीं है। इसके कारण जो है बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलती है, बहुत ज़्यादा डर फैलता है, बहुत लोगों को एनजाइटी रहती है। तो इसके लिए हम लोगों को बेटर ये है कि हम जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग बात करते हैं COVID-19 के होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। तो जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, COVID-19 में जो सिम्टम्स है वो पूरे वायरल डिजीज़ के सिम्टम हैं, वायरल फीवर के सिम्टम्स है, फ्लू के सिम्टम्स है। तो हम लोगों को जो है होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज करके ही हमको मेडिसिन देनी होती है। तो पिछले कुछ टाइम से जो है आयुष मिनिस्ट्री ने आर्सेनिक एल्बम को एज अ प्रोफाइलेक्सिस जो है बोला है कि आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। तो उसका जो डोजेज है वो कुछ इस तरह से है, आर्सेनिक एल्बम 30 एम्प्टी स्टमक वंस फॉर 3 डेज। तो आपको 3 दिन तक लेना है आर्सेनिक एल्बम 30 को। फिर डॉक्टर राजन शंकरन ने कैम्फोरा के बारे में बोला है, कैम्फोरा 1 ml लेना है। ये जो मेडिसिन है वो उन्होंने ऐसे निकाली थी कि उनका एक स्टूडेंट जो है वो ईरान में एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने वहाँ पे COVID-19 के काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया था। तो उन्होंने कैम्फोरा जब दिया तो उससे उनके पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिकवर हुए थे। तो वो राजन शंकरन जो है वो कैम्फोरा 1 ml जो है अभी बोल रहे हैं कि आप ले सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस। तो कैम्फोरा के जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरह से थे कि कोल्ड कफ कफ के साथ में उनको पिक्यूलियर हेडेक है, और उनको बहुत प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन और बहुत कोल्ड स्वेट जो है कैम्फोरा पेशेंट को, यानी जो ऐसे पेशेंट थे उनको बहुत स्वेट था और बहुत प्रोस्ट्रेशन था, तो इसलिए उन्होंने कैम्फोरा प्रपोज किया है। तो वैसे ही जब आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट आर्सेनिक उन पेशेंट को हम लोग इजीली दे सकते हैं जो फुल ऑफ एनजाइटी है, जो फियर ऑफ डिजीज़ है उनको, फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और उसके कारण बहुत फास्टिडियस हो जाते हैं, बार बार हाथ धोना, खुद भी हाथ धोते हैं और अपने जो है बच्चों को भी हाथ धोने के लिए बार बार बोलते हैं और नहीं सुनते हैं तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं। और उसके अलावा जो है उनको डायरिया होता है, कोल्ड को कफ होता है, कफ में जो है जो स्पूटम रहता है, बहुत स्कैंटी स्पूटम रहता है, एक्रिड डिस्चार्जेस है, तो हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। फिर जनरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एलियम सिपा भी बोल सकते हैं, अगर नेजल डिस्चार्ज जो है सर्दी या खांसी है जो डिस्चार्जेज है वो एक्रिड है, तो हम लोग जो है एलियम सिपा स्टार्टिंग के फेज़ में जब पेशेंट को कोल्ड होता है उस वक्त। फिर जो है हम लोग ब्राइनिया भी बोल सकते हैं, ब्राइनिया हम लोग तब बोलेंगे जब पेशेंट को पिक्यूलियर थर्स्ट है, लार्ज क्वांटिटेड लॉन्ग इंटरवल्स, फिर उसके बाद उनको ड्राई कफ है और उनको पेन होता है, खांसते हैं तो पेन होता है उनको चेस्ट में, तो और बेटर बाय कम्प एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एग्रेवेशन बाय स्लाइट मोशन,
अगर ऐसा सिम्टम्स हो तो आप ब्राइनिया के बारे में सोच सकते हैं, फिर आप रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। जब रस्टॉक्स, जब आप पेशेंट देखते हैं कि बहुत ही रेस्टलेस है, फिजिकली बहुत रेस्टलेस है, और उनको जो है रेस्टलेस है, उनको ड्राई हैकिंग कफ है और उनको कंटिन्यूस मोशन से अच्छा लगता है, तो आप उनको रेस्टॉक्स दे सकते हैं। फिर जेल्सीमियम, जेल्सीमियम में जो है आपको डल, डिजी, ड्राउजी पेशेंट मिलेगा, उसको पिक्यूलियर हेडेक होता है, और उसके उसके साथ में जो है उसके कॉमन जो है जनरल फ्लू लाइक सिम्टम्स आप देख सकते हैं। ये जो पेशेंट है उनको लगता है कि उनकी पलकें जो है बहुत भारी हो गई है, नींद तो लगती है बट सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप जेल्सीमियम के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो थी कुछ मेडिसिन्स के नाम जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। तो ये ना ही ओनली COVID-19 ही नहीं, उसके अलावा भी जनरल जनरल वायरल इन्फेक्शन में या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर हो तो उसमें आप ये मेडिसिन्स दे सकते हैं। तो ये था COVID-19 के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।